हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं आज लेकर के आया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है इंडियाज कॉम्पिटेटिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इन केमिकल गुड्स। तो आपको पता है कि हम केमिकल गुड्स को सप्लाई करते हैं हमारे इंडिया के बाहर, राइट? तो अगर हम सप्लाई करते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि एक तरीके से इसको फैसिलिटेट करती हैं, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि एक तरीके से इसको नीचे लेकर के जाती हैं, मतलब इसका डिसएडवांटेज है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। बट उसके पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा चैनल के बारे में कि आप अगर चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं, जो कि बहुत ही सस्ते दाम पे आपके पास अभी अवेलेबल है। आपको सिंपली करना क्या है, आपको हमारे चैनल पे जाना है, और जाने के बाद आपको सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। देखो, इस तरीके से रेड कलर का बटन आपको दिखेगा, आपको इसको सब्सक्राइब करना है, और जो बेल आइकन है इसको आपको दबाना है, राइट? ये बेल आइकन ऑन कर लेना, और ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे एक ज्वाइन का बटन दिखेगा। इस ज्वाइन वाले बटन को क्लिक करने के बाद आप अगर बीकॉम से हो तो यहाँ पे, और एमकॉम से हो तो यहाँ पे आपको आना है, और उसके बाद फिर ज्वाइन का बटन दबा करके आपको हमारे मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आप सोचोगे कि आपकी आपको फिर ये मेंबरशिप प्लान ज्वाइन करने के फायदे क्या होंगे, तो यहाँ देखो फायदे लिखे हुए हैं। सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि आपको असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर आप फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर में हो और आप असाइनमेंट बना रहे हो, आपको असाइनमेंट बनाने में दिक्कत हो रही है, तो आपको असाइनमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ आपको बहुत ही लो कॉस्ट में नोट्स मिल जाएंगे, और आपको व्हाट्सएप सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा 24/7। किसी भी तरह के आपके मन में क्वेरी है, क्वेश्चन है, माफी चाहूंगा, वो सारी की सारी बातें जो है आपको बताई जाएंगी, ताकि आपके मन में किसी भी तरह का डाउट जो है वो ना रहे। माफी चाहूंगा। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि अभी मैंने प्लेलिस्ट खोल करके रखा है इग्नू एमकॉम का। तो अगर आप एमकॉम में स्टडी कर रहे हैं, राइट, और आपको वीडियोस एक ऑर्डर में चाहिए, अगर आपको सारी वीडियोस देखनी है वन बाय वन, तो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, आपको हमारे चैनल पे आना है जिसका नाम है कॉमर्स की पाठशाला। यहाँ पे आने के बाद आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको देखो नीचे में एमकॉम का सेक्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको देखो यहाँ पे एमकॉम IBO 1 से लेकर के IBO 6 और MCO 1 से लेकर के MCO 7 तक की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जहाँ पे ढेर सारी वीडियोस अवेलेबल है, जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाओगे, ठीक है ना? तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है इंडियाज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, ग्रोथ इन वैल्यू ऑफ वर्ल्ड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स बाय प्रोडक्ट प्रोडक्ट गुड्स रिवील्स दैट केमिकल प्रोडक्ट ग्रुप रजिस्टर्ड द थर्ड हाईएस्ट ग्रोथ रेट 22% आफ्टर ऑफिस एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट 26% आयरन एंड स्टील 25% इन 1995 की बात की जा रही है कि उस टाइम पे जो ग्रोथ था हमारे एक्सपोर्ट का, जो ग्रोथ था वो क्या था, 22% था हमारा केमिकल गुड्स में, टेलीकॉम इक्विपमेंट में था 26% और स्टील में था 25% ओवर द प्रीवियस ईयर। पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट एंड मेडिकल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर मेजर आइटम्स ऑफ द इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो ये सारे जो है मेजर चीजें थी, और यहाँ पे 45% जो है टोटल हिस्सा जो है, टोटल का टोटल एक्सपोर्ट का 45% हिस्सा जो है हमारा, सिर्फ ये मेडिकल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स थे केमिकल गुड्स की कैटेगरी में। नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कंडेंसेशन आर अदर इंपॉर्टेंट आइटम्स इन द ग्रुप, है ना? तो 1991 से लेकर के 95 तक जो वर्ल्ड इंपोर्ट है उसमें केमिकल गुड्स का जो ग्रोथ है वो 11.9% का था, है ना? ये यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जा रही है। एक्सपोर्ट ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स कार्बोक्सिलिक एसिड एंड परफ्यूमरी कॉस्मेटिक्स कंटिन्यू टू ग्रो रैपिडली, है ना? तो जो हम एक्सपोर्ट करते थे कार्बोक्सिलिक एसिड का, या फिर जो परफ्यूमरी हम सेंड करते थे, उसमें बहुत ही ज्यादा रैपिड ग्रोथ देखने को मिला है, वो बहुत ही तेजी से ग्रो किया है। बिलो एवरेज ग्रोथ वॉज रिकॉर्डेड फॉर डाइज, और हमारा जो जो एवरेज ग्रोथ जिसमें कम था वो था डाइज, सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स, प्लास्टिक मटेरियल्स और पेस्टिसाइड्स। इसमें जो हमारा ग्रोथ था वो थोड़ा कम था, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है हमें वो कार्बोक्सिल एसिड और एक तरीके से जो कॉस्मेटिक्स होते हैं, परफ्यूमरी कॉस्मेटिक्स होती हैं, उसके ऊपर हमारा ग्रोथ जो है सबसे ज्यादा था। यहाँ पे देखो दो पैराग्राफ और है, मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार पढ़ लो, ठीक है ना? आपको एक तरीके से जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो आपको पता चल जाएगी, बट फिलहाल हमारा टॉपिक होने वाला है एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और उसको पढ़ने के लिए हमें स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा जो कि इसमें दिया हुआ है, राइट? तो हम जब स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या हमारी एडवांटेजेस हैं और क्या क्या हमारी एक तरीके से डिसएडवांटेज है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियाज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ केमिकल सेक्टर में बी इवेलुएटेड थ्रू द स्वॉट एनालिसिस, है ना? लेट अस इवेलुएट स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट ऑफ केमिकल सेक्टर। स्वॉट का मतलब क्या होता है? S for strength, W for weakness, O for opportunity, T for threat. इससे हमें पता चल जाएगा कि इसके कौन कौन से एडवांटेज हैं और कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं, ठीक है ना? तो चलिए फिर इस चीज के ऊपर ध्यान देते हैं।
इजी अवेलेबिलिटी ऑफ हाई स्किल्ड पूल एंड टेक्निकल एंड साइंटिफिक मैन पावर गिव्स अ टेक्नोलॉजिकल एज एंड हेल्प क्रिएशन ऑफ वैल्यू एडिशन फ्रॉम बेसिक एज टू फिनिश प्रोडक्ट्स। अब हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है कि हमारे पास जो लेबर है, हमारे पास जो काम करने वाले लोग हैं, वो बहुत ही स्किल्डफुल है। सारे लोग तो नहीं है, बट जो भी है वो बहुत ही स्किलफुल है, उनके पास टेक्निकल नॉलेज है, उनके पास साइंटिफिक मैन पावर है। तो हमें एक टेक्निकल एज, हमें एक टेक्नोलॉजिकल अपर हैंड मिलता है जब भी हम एक तरीके से केमिकल गुड्स को बाहर सप्लाई करने की बात करते हैं। तो जो बेसिक स्टेज है या फिर फिनिश प्रोडक्ट्स है, उस हर एक लेवल पे हमें जो है एक टेक्निकल एज यहाँ पे मिलता है। तो ये हमारा स्ट्रेंथ है ना। दूसरा स्ट्रेंथ क्या है? इंडस्ट्री इज 6 decades ओल्ड एंड वेल डाइवर्सिफाइड सेक्टर कॉम्पोजिशन, है ना, सेक्टरल कॉम्पोजिशन। हमारा जो इंडस्ट्री है केमिकल गुड्स का, वो 60 साल पुराना है, 6 decades ओल्ड, तकरीबन 60 साल, अब तो बोल सकते हैं 70 साल पुराना है, क्योंकि 70 साल हो चुके हैं, 70 साल पुराना है। और एक तरीके से जो हमारा जो सेक्टर है वो वेल डाइवर्सिफाइड है ना, बहुत ही डाइवर्सिफाइड हमारा जो कॉम्पोजिशन है हमारे सेक्टरल का, वो अवेलेबल है केमिकल गुड्स के क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट लिंकेज विद द अदर सेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड प्रोवाइड्स वाइटल इनपुट्स, है ना। तो चूंकि हमारा लिंकेज जो है अदर सेक्टर्स के साथ भी बहुत अच्छा है, तो वो हमें बहुत ही वाइटल इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं कि हमें किस तरीके से अपने ट्रेड को आगे लेकर के जाना है और किस तरीके से हमें अपने ट्रेड को आगे बढ़ाना है ना। तो हमें हमारा जो लिंकेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वही हमारा एक स्ट्रेंथ भी है। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, फीड स्टॉक सच एज नाफ्था गैस, इथाइल अल्कोहल ETC, हमारे पास इन चीजों की इजी अवेलेबिलिटी है, हम बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, नाफ्था, जैसे कि नाफ्थलीन, आपका नाम, आपने नाम सुना होगा, नाफ्था हम बना सकते हैं, गैस बना सकते हैं, इथाइल अल्कोहल हम बना सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से हमारे से बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल एबंडेंट मात्रा में अवेलेबल है। तो ये एक स्ट्रेंथ है हमारे लिए। प्रेजेंस ऑफ MNCs इन द इंडस्ट्री इज एन एडेड एडवांटेज, हमारा जो MNCs है, हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारी MNCs अवेलेबल हैं, जो कि हमें एक एडेड एडवांटेज एक तरीके से देती हैं। ये भी हमारा एक स्ट्रेंथ है। फ्रॉम कॉम्पोजिशन ऑफ नेट इम्पोर्टर द इंडस्ट्री ग्रेजुएटेड टू अ ग्रोइंग एक्सपोर्टर विद 14% कॉन्ट्रीब्यूशन टू द टोटल एक्सपोर्ट, है ना। तो हमारा जो नेट इम्पोर्टर था, है ना, तो अगर उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा जो इंडस्ट्री है वो एक तरीके से ग्रो कर रहा है, वो जो है एक तरीके से ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है, और अब जाकर के 14% जो है टोटल एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूट करता है। मैं एट प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा, मैं 2011 की बात कर रहा हूँ। 2011 में ये बुक बना था, इग्नू ने एमकॉम का बुक 2011 से एक बार भी चेंज नहीं किया है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बीकॉम के बुक्स कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं, तो इसको भी चेंज होने के चांसेस जल्द ही बन रहे हैं, है ना। तो मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ कि वहां पे 40% जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट था उसका 14% जो है हमारा ये इंडस्ट्री से आता था। एक्सेलेंट 14%, है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक्सेलेंस इन R&D एडेड बाय नेशनल एंड प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड्स एन एज, अब हमारा जो R&D है वो बहुत अच्छा तो नहीं है, बट फिर भी जो नेशनल एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ पे R&D के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको बहुत ही अच्छा एक्सेलेंस होने के कारण हमें एक एडवांटेज मिलता है, हमें एक एज मिलता है जब भी हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, राइट। लो कॉस्ट ऑफ टेक्निकल मैन पावर गिव्स अ कॉम्पिटेटिव एज, और हमारे पास जो टेक्निकल मैन पावर है वो भी बहुत ही सस्ता है। अगर आप कंपेयर करोगे बाहर कंट्रीज के साथ, तो हमारा जो टेक्निकल मैन पावर है केमिकल गुड्स की कैटेगरी में वो बहुत ही सस्ता है। इंडिया पेटेंट एक्ट बीइंग एमेंडेड टू बी ट्यून इन GATT regulations, तो हमारा जो इंडियन पेटेंट एक्ट है वो भी एक तरीके से थोड़ा सा उसको अमेंड किया गया है GATT regulations को मान करके, जिसके कारण से हमें जो है बहुत ही फ्री है, लिबरल हमारी जो पॉलिसी है वो बनी है इंडियन पेटेंट एक्ट में। तो ये भी हमारा वन ऑफ द स्ट्रेंथ है। Petrochemicals has been declared as a thrust area by Government of India for prioritized development, है ना? तो petrochemical जो होता है उसको एक thrust area घोषित किया गया है by Government of India. Thrust area का मतलब क्या होता है कि हमारी priority है जो है वो उस जगह पे होगी। Thrust मतलब क्या? प्यास, मतलब petrochemical का जो है पूरी दुनिया में प्यास है, मतलब इसकी डिमांड जो है बहुत ही ज्यादा है, तो गवर्नमेंट ने इसे thrust area एक तरीके से declare किया है और इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है बहुत ही ज्यादा, इसको prioritize किया गया है, ठीक है ना। तो ये हमारे स्ट्रेंथ हो गया। अब आगे चलते हैं, जो बाकी के पॉइंट्स हैं उनको भी अब हम कर लेते हैं। देखो, जो अगला स्ट्रेंथ है हमारा वो ये है कि इंडिया हैज ओवर द इयर्स डेवलप्ड स्ट्रेंथ इन सेक्टर्स लाइक डाइस्टफ्स, पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक, रबर प्रोसेसिंग, सिंथेटिक फाइबर्स ETC। इंडिया इज ऑल्सो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन एशिया, है ना। तो इंडिया है जो एक तरीके से समय के साथ साथ हम लोगों ने ओवर द इयर्स हम लोगों ने डेवलप करा है इन सारे सेक्टर्स को, चाहे वो डाई स्टफ का सेक्टर हो, पेस्टिसाइड का सेक्टर हो, ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक केमिकल का सेक्टर हो, ड्रग का सेक्टर हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, प्लास्टिक्स हो,
हमने इन सारे चीजों के ऊपर हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। और हमारा एक और स्ट्रेटेजिकल बेनिफिट है कि हम एशिया में है और पूरी दुनिया का जो पॉपुलेशन है उसका 30% जो है या उससे ज्यादा जो है सिर्फ इंडिया में रहता है, सॉरी सिर्फ एशिया में रहता है, क्योंकि इंडिया में दो कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन 100 करोड़ से ज्यादा है ना। तो 200-300 करोड़ तो भाई सिर्फ इंडिया और चाइना को मिला करके हो गया है ना, और पूरी दुनिया का पॉपुलेशन है 700 करोड़। तो आप समझ रहे हो तकरीबन 40% पॉपुलेशन इंडिया में है और एशिया में हम लोकेटेड हैं, तो हमें यहाँ पे जो है एक एडेड एडवांटेज यहाँ पे मिलता है ना। तो केमिकल गुड्स में हमारे वीकनेस क्या है, वीकनेस है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया हैज नॉट येट डेवलप्ड। इंडिया में केमिकल गुड्स के क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है। मैं एट प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा, मैं 2011 की बात कर रहा हूँ। अभी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग डेवलप हो रही है, धीरे धीरे और भी बड़ी बनेंगी ये है ना, और भी बेहतर बनेंगी, लेकिन उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो डेवलप नहीं हुई थी है ना। द केमिकल इंडस्ट्री वर्ल्ड स्पेंड्स अ हाई प्रमोशन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑन R&D वेयर इज इंडिया इंडिया इट इज नॉट सो। मैंने बताया था ना आपको कि R&D पे हम बहुत ज्यादा खर्च नहीं करते, R&D हमारा एक्सीलेंस है ना। ऐसा नहीं कि हमारे R&D बहुत ही बेकार है, लेकिन R&D के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च जो है हम नहीं करते हैं, हम बहुत ही कम खर्च करते हैं यार R&D के ऊपर। अगर हम R&D के ऊपर खर्च करने लगे ना तो आपको यकीन नहीं होगा कि हमारी कंट्री जो है कहाँ से कहाँ पहुंच सकती है। सारी कंट्रीज बेहतर बड़ी तभी बन पाई है जब उन लोगों ने अपने R&D के ऊपर खर्च किया है, यू नो अपने जो रिसर्च है उसके ऊपर खर्च किया है। लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे तो जो खर्चा वो करते हैं उसके कंपैरिजन में हम कुछ नहीं करते हैं, हम बहुत ही कम खर्च करते हैं। यू नो हाई प्रोडक्शन और प्रोपोर्शन और प्रोडक्शन कॉस्ट जो हमारा R&D के ऊपर वो बहुत ही कम है केमिकल इंडस्ट्री के क्षेत्र में, ठीक ना। अब स्ट्रेंथ वीकनेस हो गया, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हो गया। अब बात कर लेते हैं अपॉर्चुनिटी के बारे में कि हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो सबसे पहला अपॉर्चुनिटी तो ये है कि पेट्रोकेमिकल्स आर फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया इन स्पेसिफिक एरिया इन एशिया पैसिफिक रीजन। तो जो एशिया पैसिफिक रीजन है मतलब यहाँ पे बहुत सारे देश होते हैं है ना, तो ये जो पूरा का पूरा रीजन है यहाँ पे पेट्रोकेमिकल की डिमांड जो है बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि चूंकि वहां पे बढ़ रही है तो हम उनकी डिमांड्स को पूरा कर सकते हैं। मोस्ट कंट्रीज इन द रीजन आर सीकिंग टू इनहांस देयर डोमेस्टिक पेट्रोकेमिकल कैपेबिलिटीज थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना। तो बहुत सारी कंट्रीज जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के माध्यम से एक तरीके से अपने अपनी कंट्री के पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहती है, एक तरीके से उसको इनहांस करना चाहती है। तो उस चीज में हमारे पास अपर एज है कि हम उनकी जो है हेल्प कर सकें, इससे हमारी इकोनॉमी जो है वो भी बड़ी हो जाएगी। इन ईस्ट एशिया प्लास्टिक एंड टेक्सटाइल एक्सपेंशन आर एक्सपेक्टेड टू फ्यूल डिमांड एंड एडिटिव्स एंड डाइस्टफ केमिकल्स। तो ईस्ट एशिया में प्लास्टिक और टेक्सटाइल का जो एक्सपेंशन है वो बहुत ही रैपिडली हो रहा है, उसके कारण से जो डिमांड है उसमें एक तरीके से आग लग जाएगा। फ्यूल मतलब समझ रहे हो ना, तेल, तो एक तरीके से आग लग जाएगा डाइस्टफ केमिकल्स के क्षेत्र में। तो यहाँ पे हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जब ईस्ट एशिया में इन दोनों चीजों का डिमांड बढ़ रहा है तो हम इस चीज के ऊपर फोकस करें, हम थोड़ा सा ध्यान दें और एक तरीके से जो आग लगाने का काम है वो हम ही करें, ठीक है ना। तो इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। तीसरा जो हमारा अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि ओविंग टू द हाई कॉस्ट ऑफ लेबर द ओवर हीटेड इकोनॉमी ऑफ मेनी कंट्रीज आर अनडेवरिंग टू रिलोकेट देयर मैन्युफैक्चरिंग एंड सोर्सिंग बेसिस इंडस्ट्री शुड टेक एडवांटेज ऑफ द इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज है ना। तो डेफिनेटली आपको पता है कि बहुत सारी कंट्रीज इंडिया में आकर के काम करना चाहती हैं, इंडिया में आकर के इन्वेस्टमेंट करती हैं। वो क्यों करती है, क्योंकि इंडिया में जो लेबर है वो बहुत ही चीप है। चाइना में भी लेबर बहुत ज्यादा चीप होने के कारण वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज कंपनीज थी, जैसे कि एप्पल हो गया, बहुत सारी कंपनीज थी जो कि वहाँ पे जाकर के काम कर रही थी। लेकिन आपको पता है कि चाइना में क्या इशू है, उसके कारण से वो सारी कंपनीज अब इंडिया में शिफ्ट कर रही है, राइट। तो इंडिया में उनको क्या मिलता है, लेबर जो है बहुत ही सस्ता मिल जाता है, जिसके कारण से वो लोग जो है इंडिया में शिफ्ट करती है। तो वही बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो लोग रिलोकेट कर रही है अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को ताकि उनकी सोर्सिंग जो है ठीक तरीके से हो सके, है ना। और हमारी इंडस्ट्रीज को इस चीज का फायदा उठाना चाहिए, इसका जो एडवांटेज है वो हमें मिलना चाहिए। ये जो इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में अगर हम ध्यान देंगे तो इसका एडवांटेज हमें ही मिलेगा, है ना। अगला पॉइंट है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ इन द केमिकल इंडस्ट्री आर आउटसाइड द डेवलप्ड वर्ल्ड, है ना। तो जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है यू नो सस्टेन्ड ग्रोथ का केमिकल इंडस्ट्री के मामले में वो एक तरीके से डेवलप्ड वर्ल्ड को आउटसाइड कर चुका है, मतलब लोगों ने जो अनुमान लगाया था उससे कहीं ज्यादा जो है हम यहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं। एरियाज ऑफ ग्रोथ आर ईस्टर्न यूरोप द पैसिफिक रिम और चाइना। तो ईस्टर्न यूरोप पैसिफिक रिम और चाइना में पेट्रोकेमिकल्स की जो डिमांड है, जो केमिकल प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो बहुत ही रैपिडली बढ़ी है। सस्टेन ग्रोथ की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे एक तरीके से बूम आया है आप बोल सकते हो कि इंडस्ट्रीज जो है वो काफी ज्यादा बड़ी हो गई है। आखिरी पॉइंट है यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी का वो ये है कि टू बिगेस्ट कस्टमर्स ऑफ केमिकल इंडस्ट्री नेमली कंस्ट्रक्शन एंड ऑटोमोबाइल्स आर अंडरगोइंग रेडिकल चेंजेस ड्यू टू ट्रेंड
towards wider use of new material such as optic fiber, super polymers, composition of fire creamies, fiber reinforced plastics etc. है ना, तो जो तो बड़ी जो यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री है जो कि है कंस्ट्रक्शन एंड ऑटोमोबाइल, उसमें बहुत ही ज्यादा रेडिकल चेंजेस आ रहे हैं, है ना। वो चेंजेस इस तरीके से हैं कि वो लोग जो है ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर, सुपर पॉलीमर्स के ऊपर, कॉम्पोजिट्स के ऊपर, फाइन क्रेमिक्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जो कि हम बना सकते हैं, जो कि हमारी केमिकल गुड्स की इंडस्ट्री है, हम इस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो चेंजेस आ रही है इन दोनों सेक्टर में, केमिकल और ऑटोमोबाइल सेक्टर में, उसको हम एक तरीके से भुना सके, है ना, उसका फायदा हम उठा सके। तो ये मैंने अपॉर्चुनिटीज आपको बता दी है। अब मैं बात कर लेता हूँ थ्रेड्स के बारे में, फिर ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। नाउ थ्रेड्स, थ्रेड्स क्या है? The chemical industry has become increasingly conscious about the environmental concerns, है ना? तो जब भी केमिकल की बात होगी तो इन्वायरमेंट को उससे नुकसान पहुंचता है, आपको पता है। तो उस जब भी केमिकल की बात होगी तो वहां पे इन्वायरमेंट की बात होनी ही है, है ना? All EU countries have stringent environmental laws, particularly for chemical given in their risk proof characteristics, है ना? तो जितने भी EU की कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है, उन लोगों ने एक तरीके से अपने जो लॉ है, एनवायरमेंटल लॉज है, उनको बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, स्ट्रिंजेंट कर दिए हैं, पर्टिकुलरली जो केमिकल के प्रोडक्शन को लेकर के जो बात होती है उस चीज को लेकर के उनका जो ध्यान है बहुत ही ज्यादा उस चीज की तरफ गया है कि जो इन्वायरमेंट है उसके उसको भी ध्यान देने की जरूरत है। सिर्फ केमिकल प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से नहीं होगा, लेकिन हाँ, जहां जहां केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल होगा वहां इन्वायरमेंट को लॉस पहुंचेगा। अब देखो, वो कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप्ड है, उनको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हमारी बढ़ने की बारी आई, जब इंडिया में एक तरीके से केमिकल प्रोडक्ट का ग्रोथ की बारी आई, इंडिया में जब कोल प्रोडक्ट के यूज की बात आई, तब लोगों ने हमारे ऊपर लोगों ने जो है आपस में एनवायरमेंटल लॉज बनाने शुरू कर दिए कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, है ना। लेकिन उसका नुकसान जो है हमारे इंडिया को एक तरीके से झेलना पड़ता है, लेकिन एनवायरमेंट के बेसिस पर अगर देखोगे तो जो है सही भी है, है ना। तो बहुत सारी कंट्रीज जो है अपने एनवायरमेंटल लॉज को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर रही है, जिसके कारण से ये एक वन ऑफ द थ्रेट बन सकता है हमारी इंडस्ट्री के लिए, है ना। आखिरी पॉइंट है, रैपिड टेक्नोलॉजिकल एब्सोलेंस इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री, है ना। तो जो टेक्नोलॉजिकल एब्सोलेंस है वो हमारे इंडिया में बहुत ही ज्यादा है, है ना। एब्सोलेंस का मतलब क्या होता है कि जो भी चीजें हैं उसको हम एब्सोलेट छोड़ देते हैं, उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा काम नहीं करते हैं, उसको ना ही एडवांसमेंट की हम बात करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल जो चीजें थी, जो एक तरीके से टेक्नोलॉजी थी, वो एब्सोलेट होती जा रही है। हम नई टेक्नोलॉजी ला नहीं रहे हैं, हम नए इंप्रूवमेंट्स कर नहीं रहे हैं, जिसके कारण से जो है हमें दिक्कत झेलनी पड़ रही है। तो वन ऑफ द थ्रेड यही है कि जो टेक्नोलॉजिकल एब्सोलेंस है वो बहुत ही एक बड़ा एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है हमारी केमिकल इंडस्ट्री के लिए, और हमें इस चीज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, जहां पे मैंने अच्छी तरह से आपको SWOT एनालिसिस करके बताया है, जिसको अगर आपको समझ में आ गया होगा, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या कौन कौन से एडवांटेज है और कौन कौन से डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेज में आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस मेंशन करना है, और डिसएडवांटेज में आपको वीकनेस माफी चाहूंगा स्ट्रेंथ में एडवांटेज में आपको स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी मेंशन करना है, और आपकी जो डिसएडवांटेज है वहां पे आपको वीकनेस और थ्रेट को मेंशन करना है, राइट। सो ये दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमारे मेंबरशिप प्लान को ले सकते हैं। मैं फिर से आपको इनकरेज करना चाहूंगा कि आप हमारे मेंबरशिप प्लान को लीजिए, वहां पर ढेर सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय। थैंक यू।